अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है बेसिकली कैंडिडेट की अगेन जो कैंडिडेट की है लाइक सुपर की ये थोरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते यानी ऑन पेपर तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारी कैंडिडेट की क्या होगी लेकिन एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन इन टू अ पर्टिकुलर आर डी बी एम एस यानी जब मैं कह रहा हूं इंप्लीमेंटेशन तो आई एम सेइंग से वाया प्रोग्रामिंग यानी ऐसी की जो प्रोग्रामेटिकली हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते वो बेसिकली हमारी कैंडिडेट की है लाइक सुपर की हम उसको प्रोग्रामेटिकली इंश्योर नहीं कर सकते हम सिर्फ उसको अथोरेटिकली पेपर पर पे डिस्कस कर सकते हैं तो अब जो कैंडिडेट की है इसका डिफरेंट बुक्स के अंदर एक और नाम भी है उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट की ऑल्टरनेट की से मुराद ये है ऑल्टरनेट की या ऑल्टरनेट टू अ प्राइमरी की मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं लेकिन बाय डिसीजन या बाय सम बिजनेस कॉन्स्टेंट हम उसको प्राइमरी की बना नहीं रहे ऐसे तमाम एट्रीब्यूट या ऐसे तमाम एट्रीब्यूट को हम लोग कैंडिडेट की या ऑल्टरनेट की बोलते हैं मतलब यह है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट हो एक ही टेबल के अंदर जो कि आउट ऑफ विच हो सकता है हमारे पास कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसा टेबल हो जिसमें एक एक से ज्यादा एट्रीब्यूट ऐसे हों जिनको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हो लेकिन ड्यू टू डिजाइन डिसीजन ड्यू टू सम इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन हमने किसी एक को प्राइमरी की बना दिया तो अगर दो में से किसी एक एट्रीब्यूट को हमने प्राइमरी की बना दिया दिस डज नॉट मीन कि हमने दूसरे एट्रीब्यूट को हमने ये कह दिया कि वो प्राइमरी की नहीं बन सकती वो बन सकती है मतलब ऑल द पोटेंशियल प्राइमरी की आर नोन एज अ कैंडिडेट की तो कैंडिडेट की इस आर 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 द कलेक्शन ऑफ ऑल एट्रिब्यूट या एट्रीब्यूट जो ड्यू टू सम कॉन्स्टेंट ड्यू टू डिज़ाइन डिसीजन हम लोग प्राइमरी की बना सकते थे लेकिन हम बना नहीं सके यानी बना सकते जैसे मुराद ये है कि उसके अंदर यूनिकनेस की चीज भी इंश्योर हो रही है उसके अंदर नॉट नल की जो फीचर है वो भी इंश्योर हो रही है लेकिन हमने क्योंकि किसी और यानी किसी एक एट्रीब्यूट को हमने प्राइमिकी बनाना था और एक से ज्यादा यानी हमने सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमिकी बनानी थी मल्टीपल एट्रीब्यूट प्राइमिकी नहीं बनानी थी फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डिजाइन डिसीजन है तो बाकी एट्रीब्यूट जो कि प्राइमिकी बन सकते थे लेकिन बनाया नहीं है ड्यू टू दिस लिमिटेशन तो ऐसे तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बेसिकली ऑल्टरनेट कीज हैं या कैंडिडेट कीज हैं अगेन जो कैंडिडेट कीज होती हैं क्योंकि वो थोरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो हम इसको सिर्फ प्राइमरी की के ऑल्टरनेट कह रहे हैं मैं इसको कॉम्पोजिट प्राइमरी की के ऑल्टरनेट नहीं कह रहा क्योंकि जो कॉम्पोजिट प्राइमरी की होती है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट जो कि हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन जो कैंडिडेट की है उसके अंदर सिंगल या कॉम्पोजिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता कैंडिडेट की या तो होती है या नहीं होती हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरे का पूरा पेयर ऑल्टरनेट है और प्राइमरी की ऐसा नहीं है तो सिंगल एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की है वो पोटेंशियल वो, वो उसके अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट मौजूद थी टू बी एन एक्चुअल प्राइमरी की लेकिन ड्यू टू समिजाइन डिसीजन ड्यू टू सम, सम रिक्वायरमेंट हम उसको हम उसको प्राइमरी की नहीं बना सके और मतलब हमने उसको ऑन पेपर ही रहने दिया हो सकता है सम वे डाउन द रोड अगर हम कुछ डिजाइन डिसीजन चेंज कर रहे हैं अपना तो एंड वी हैव टू एड कॉम्पोजिट की यानी एक एट्रीब्यूट के अंदर एक एक प्राइमरी की अंदर हमने कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट ऐड करना है जो यूनिकनेस को इंश्योर रखे तो अगेन चॉइस वुड बी द वन ऑफ द कैंडिडेट की यानी जो हमारा अगली पोटेंशियल uh, थी प्राइमिकी uh, के लिए हम उसको पिक कर सकते हैं लेकिन अगेन ये अथोरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बिल्कुल मैप नहीं कर सकते कि इंप्लीमेंटेशन करते वक्त हम लोग ये हम लोग हम लोग ये प्रोग्रामेटिकली लिखें कि हमने इस की को प्राइमरी की बनाया है इस की को हमने फॉर एग्जांपल यूनिक की बनाया है और एक थर्ड टाइप की की है जिसको हमने कैंडिडेट की बनाया ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती इंप्लीमेंटेशन लेवल पे वन की इस प्राइमरी की जो हमने डिस्कस किया अदर की इस यूनिक की जो हम डिस्कस कर चुके हैं और तीसरी टाइप की की होती है जिसको बोलते हैं फॉरन की जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे सुपर की एंड कैंडिडेट की